वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों में हूँ हसनुर रहमान। आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल जुबिन गर्ग मोटर क्लास में स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी। दोस्तों देख लीजिए, ये टाटा एचजीप का ब्रेक शू कैसे फिटिंग रहता है देख लीजिए। मैंने दिखा रहा हूँ आप लोगों को टाटा एचजीप का जो कैसे कैसे एग्जस्ट करना है, ब्रेक एग्जस्ट करना है देख लीजिए। यह से ब्रेक एग्जस्ट करना पड़ता है देख लीजिए दोस्तों। और जो ड्राम है, ड्राम तो धीरे से आराम से निकालना पड़ता है, आराम से अंदर जाना पड़ता है दोस्तों देख लीजिए। जो आराम से समय और देख लीजिए, यह हम डबल स्प्रिंग लगाए हैं। डबल स्प्रिंग लगाने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा माल लोड करने के लिए अच्छा है। और ये ड्राम है, ड्राम तो आराम से अंदर घुसना चाहिए। और हम लोग हमारा यहाँ पे जो गाड़ी है, गाड़ी का तो ड्राम खुलकर चेक करते हैं, आराम से अंदर डालना है और आराम से निकलना है। ऐसे ब्रेक एग्जॉस्ट करके रहता है दोस्तों देख लीजिए। कुछ भी यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे खाली ऐसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को आराम से कैसे डालना है अंदर। ऐसे आराम से जाना है और ऐसे आराम से बाहर निकलना है ताकि जाम ना हो सके। और एग्जॉस्ट थोड़ा थोड़ा के यहाँ पे बनाना होगा देख लीजिए। आप लोगों को जितना ब्रेक सही है उतना बना कर रहता है बना सकते हो आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ये है ब्रेक एग्जॉस्टर बोल्ट देख लीजिए। मैंने स्क्रू ड्राइवर से ब्रेक एग्जॉस्ट कर रहा हूँ। ब्रेक एग्जॉस्ट आराम से करना। और डीजल फिल्टर देख लीजिए कहाँ से लगा हुआ रहता है। हम यहाँ पे लगाए हैं क्योंकि जो नीचे रहता है ना वहाँ पे तो जो किसी पत्थर की साथ टकरा कर वो टूट जाता है, इसलिए हम वहाँ पे लगाया है डीजल फिल्टर को। अभी हम हाइड्रोलिक जैक से मेरा दोस्त ने जैक जैक उठा रहा है। उसके बाद हम इस चक्के को टायर को खोलेंगे। हम चक्के को खुलने के बाद जो ब्रेक है, ब्रेक इसको भी साफ करके लगाएंगे हम अभी। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और हम लोग दोनों सका में उठा लिया है देख लीजिए। यहाँ पे भी डबल स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, दोनों सका में डबल स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और ये स्प्रिंग रहता है। और अंदर देख लीजिए वो गियर केबल है, गियर केबल जो है ना गियर केबल, ये गियर डिक्की से खुलने जाने के बाद गियर नहीं लगता है। जो दो एक केबल खुलने के बाद सिर्फ बैक गियर लगता है। और जो अंदर के केबल है उस खुलने के बाद दो नंबर, तीन नंबर और साइड नंबर गियर लगता है और बाकी गियर नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम है। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना लाइक करोगे उतना वीडियो अपलोड करूँगी। बाय।